नमस्कार, मैं आपका दीपक महाजन और आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। कोविड-19 के चलते हुए जिला प्रशासन की ओर से पठानकोट में लगाया गया कर्फ्यू, जिसके चलते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को राहत प्रदान की जा रही है और गली मोहल्लों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। लेकिन देखने में आया है कि शहर के कुछ गली मोहल्लों और वार्डों में सैनिटाइज और राहत सामग्री नहीं पहुँच रही है। इसी के चलते हुए प्रगति मीडिया टीम ने वार्ड नंबर 14 में दौरा किया। वहाँ के लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। कैमरामैन अमन के साथ दीपक महाजन की। नंबर 14 से सोमराज छिंदा बोल रहे। मैं सरकार अगे बेनती करना चाहना कि वार्ड नंबर 14 बिच असी अपने दिलों सही आवाज कट के गल कर लगे कि यह जो 14 नंबर वार्ड है, यह जतीम गिणिया गया है, क्योंकि ना तो यदा MC है पठानकोट के बच्चे, तो ना ही यदा MLA साहब है और ना ही MP साहब है। जो सेंटर से हुक्म आ रहे अं वह भी मन रहे, जो कैप्टन साहब कह रहे अं वह भी मन रहे, लेकिन साड़ी गल कोई सुनने वाला नहीं जी है। अहे तो अहे दिल ना कहने, अगर MC साहब राशन बंट रहे ना तो अपने चहेतियां दे रहे, दूसरे किसी नूं नहीं देन दिया। कदे नीले कार्ड वाले दे रहे, कदे कहना जिन्हां दे नहीं नीले कार्ड उन्हां नूं देने, कदे कहना जिहड़े प्रवासी ने उन्हां नूं देना, ते दिंदा पता नहीं किन्नू हैगा, इह सानूं अजे घरे भी नहीं लब्भा। रात नूं माल बन जांदा ते रातों रात ही पता नहीं की कर जांदा। ते DC साहब अगे ते MLA साहब अगे अहीं बेनती करदे आं कि जी इनकुआरी कीती जावे, इनकुआरी करके तो कम से कम सानू इह वी चानना पाया जाए कि करदे की पए ने। इस गल्लां तों मैं अपने जज कोला नाल हाथ जोड़ के बेनती करदा। नगर पठानकोट दे वासी आ और असीं महीने तों लॉकडाउन दे अंदर अपनी जो सानू MLA साहब ने कहा कि अपनी अपनी गलियां बंद कर लो और तुहानू लॉकडाउन तों बचे रहणगे, और सारा जो अपना ऑल इंडिया जो लॉकडाउन असीं कीता है उहदी पालना करो। असीं उहनां दे कहण ते उहनां दे पालना कर रहे हां। असीं रस्सियां बन्न के अपने अपने घरां च बैठे हां, पर साडे च प्रॉब्लम यह आ रही है कि सानू असीं गरीबां वाला महला हैगा, इत्थे कोई इत्थों तक ऐ नहीं बंदे हैगे कि जिहड़े सरकारी मुलाजम वी होणगे। सरकार वालों जो नीले राशन कार्ड बने है उन्होंने साडे लोगों को राशन मिल रहा, पर असी खाली कणक नाल की करांगे। साडा प्रशासन अगे और कह रहे कि DC साहब नू सारे परमिशन हैगी जो भी देना पैना है राशन, पर साडे इस इलाके च साडे MC साहब ने कहता कि मैं वार्ड नंबर 14 च राशन बांट दिता, जबकि साडे वार्ड च एक बार भी राशन नहीं आया और DC साहब के दफ्तर जो पता लग रहा कि वह 2-3 दफा राशन लै गया है। पर असी हुण मजबूर हो के सड़क ते निकले आ गए, पर असी दुखी हो के निकले हाँ कि सानू जिहड़ा साडा बंदा है वह मिलना चाहिदा, और असी MLA साहब नू रिक्वेस्ट करने हैं कि इस जिहड़ा राशन आया उहदी इनकुआरी कराई जाए, और सानू 3-4 बार इस गली विचों लिस्टां बन के चल जा चुकी हैं, पर उस तों बाद भी असी एक दफा सानू लमीनी बुला लिया, असी लमीनी चल गए। उस तों बाद सानू उन्होंने कहता जी तुसीं कबीर चौंक आ जाओ, असी उत्थे लै के आना जी। असीं आ के कबीर चौंक च खड़े हो गए, अगर सानू पुलिस प्रशासन चौके लैण दा उहदी किहदी जिम्मेवारी सीगी। मैं इहो जिही रिक्वेस्ट करना कि महल्ले का जो बंदा हक है वह दवाया जाए और MLA साहब इस केस की इनकुआरी कर, जब सानू दसा जाए कि इस गली में कोई BLO तक भी नहीं आया है। वार्ड नंबर 14 च कोई भी ऐसी सरकारी सहूलत जी हजे तक नहीं पहुंची हैगी। यह गली भी अं सैनिटाइजर कराई है, ये तो साडे सारे भरा है, इन्होंने अपने बलबूते से कह के करवाई है कि MC थ्रू कोई साडे इत्थे जिनी भी प्रशासन थ्रू जिनी भी सहूलत है कोई साडे एरिए च नहीं आई। इत्थे सारे जी रक्षा वाहन वाले हैगे आ, अं दुकाना काम करन दे, सानू कोई सैलरी नहीं मिल रही, प्राइवेट जॉब है साडी, तो कोई मतलब सरकारी सहूलत सानू कोई नहीं मिली हैगी, तो कोई राशन नहीं मिले हैगा, कोई नेरे दे विच राशन बंडो रहे ना गली दे विच, जे बंडो रहे ना कुछ चुनिंदा बंदियां नू बंडो रहे ना कि किहे किहे नू जिहड़े उहनां दे अपने वाकफ है जां उहनां दे अंडर है, ते इत्थे कोई मदद नहीं आ रही। सारे काम करन वाले दिहाड़ीदार बंदे हैगे ना, तां ही प्रशासन अगे आ बेनती करने आ कि सानू जिहड़ियां साडियां सहूलतां मिलियां जां।